लखनऊ में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के प्रमुख चौराहे पर हम इस समय मौजूद हैं और अगर आप देखेंगे तो जो भारी बारिश है वो आज लखनऊ में देखने को मिल रही है और लखनऊ का ये एक व्यस्त चौराहा है। और अगर आप देखें तो पुलिस जो है वो भी ट्रैफिक पुलिस अपनी मुस्तैदी में है। बारिश हो रही है तो छाता लेकर ऐसे में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और यातायात आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो लखनऊ का है वो काफ़ी व्यस्त रहता है। कमिश्नर ने भी इस बात को कहा है चार्ज संभालते ही कि लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था एक कहीं ना कहीं चैलेंज है, उस चैलेंज से हम लोगों को निपटना होगा। बहरहाल जो बारिश है वो आज राजधानी लखनऊ में हो गई है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 24 जून से जो मॉनसून है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी और इसी के साथ जो कई ज़िले हैं वहाँ पर दस्तक दे देगा, तो आज जो लखनऊ वासी हैं वो भी बाहर अगर आप देखें तो जो हवाएं हैं वो भी तेज़ गति से चल रही हैं और जो बारिश है उसका आनंद उठाते हुए लोग घरों से भी निकल चुके हैं। लंबे समय से जो जून का महीना था, जो मई का महीना था, उसमें तापमान 42 डिग्री 43 डिग्री 44 डिग्री तक तापमान गया और उसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो भीषण गर्मी थे उससे भी कई लोगों की मौतें हुई। लेकिन अब मौसम ने करवट ली है और बारिश हुई है, बारिश के साथ जो राहत की सांस है वो भी अब लोग ले रहे हैं। भैया बारिश हो रही है लेकिन ड्यूटी कर रहे हैं, क्या करें, करना पड़ेगा। पहली बारिश है जी, कुछ राहत मिली है, कुछ राहत मिली जी, है। जी, तो बारिश में जो है समस्याएं बढ़ जाती होंगी आप लोग के लिए भी। जी बढ़ जाती है, लेकिन ट्रैफिक रूल को और ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए हम लोगों को ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी ना सर। तो ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए ये अगर आप देखें तो तमाम जो सिपाही हैं वो चौराहे पे डटे हुए हैं। बारिश हो रही है लेकिन जो सिपाही हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार जो ट्रैफिक है उसको मेंटेन कर रहे हैं। बहरहाल मौसम विभाग ने जिस तरीके से जो पूर्वानुमान था वो जारी किया था उसी के तहत आज जो बारिश है वो राजधानी लखनऊ में हो रही है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।